स्वस्थ व तंदुरुस्त रहने के लिए ताज़ी हरी सब्जियों का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जो कि आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकती हैं। जी हाँ, हाल ही में हुए रिसर्च के मुताबिक फूलगोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां दिमाग को नुकसान पहुंचा रही हैं। दरअसल इन सब्जियों में ऐसे कीड़े होते हैं जो कि सब्जियाँ पकाने पर भी नहीं मरते और दिमाग में जाकर गंभीर बीमारी का खतरा पैदा करते हैं। शोध में ये बात सामने आई है कि इन दो सब्जियों में टेप बार हरे रंग के कीड़े पाए जाते हैं, जिन्हें आप ना चाहते हुए भी सब्जी के साथ पकाकर खा जाते हैं। ये कीड़े सब्जियों को धोने या पकाने पर भी नहीं जाते। ये जीवाणु अधिक से अधिक तापमान को भी सहन कर सकते हैं, जो कि खाना पकाने और शरीर में जाने के बाद भी खत्म नहीं होते। ये धीरे धीरे दिमाग तक पहुँच जाते हैं और गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा करते हैं। टेप बार्म नामक ये कीड़ा सब्जियों में चिपका होता है। साधारण आंखों से पकड़ में ना आने वाला ये कीड़ा पेट में जाने के बाद रक्त वाहिका के रास्ते दिमाग तक पहुँच जाता है। ये कीड़े पेट में जाकर अंतड़ियों के साथ चिपक जाते हैं और अंडे बनाना शुरू कर देते हैं। इन अंडों से निकलने वाले जीवाणु रक्त वाहिका में बहते हुए दिमाग तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे ब्रेन को खोखला कर देते हैं। इसके कारण बर्दाश्त न होने वाला सिर दर्द, मिर्गी के दौरा और मौत का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी पहली स्टेज में असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। इससे होने वाला सिर दर्द इतना तेज़ होता है कि दवाई लेने पर भी नहीं जाता। इसके दूसरे स्टेज में आपको मिर्गी या ब्रेन स्ट्रोक को हो सकता है, क्योंकि ये कीड़े दिमाग में जाकर चिपक जाते हैं। इसकी आखिरी और तीसरी स्टेज पर व्यक्ति मौत के दरवाजे तक पहुंच जाता है। इस स्टेज में दिमाग के अंदर खून की गांठें बन जाती हैं और मरीज अचानक बेहोश हो जाता है। सर्जरी से इस गांठों को निकालना जा सकता है, लेकिन ज़्यादा देर पर होने पर रोगी की जान भी जा सकती है।